नमस्कार, मैं वासु। आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल। और यार, आज हम पढ़ने वाले हैं ओ हेनरी की तरह लिखी गई स्टोरी द लास्ट लीफ। सो विदाउट एनी फर्दर स्टफ, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। ये कहानी है दो लड़की सू और जॉन्सी की, जो अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए आर्टिस्टिक पेंटिंग्स बनाया करती थी। वो दोनों एक पुराने थ्री स्टोरी बिल्डिंग के थर्ड फ्लैट में एक साथ रहा करती थी। वो एक साथ शॉपिंग करने जाया करती थी, अपने सारे काम एक साथ किया करती थी। लेकिन एक दिन जॉन्सी को नमोनिया हो जाता है। वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। वो बस दिन भर बेड में पड़े रहती थी और विंडो के बाहर एक इवी क्रॉपर ट्री को देखती रहती थी। जॉन्सी को रोज एक डॉक्टर देखने आया करते थे। तभी वो डॉक्टर एक दिन सू को रूम से बाहर बुलाते हैं और वो पूछते हैं, आखिरकार जॉन्सी को हुआ क्या है? जॉन्सी की हालत इतनी खराब तो नहीं है कि वो मेडिसिन से रिकवर नहीं कर पा रही है? एक्चुअली में जॉन्सी रिकवर करना चाहती ही नहीं है। सू से डॉक्टर पूछते हैं, क्या इसके साथ कोई प्रॉब्लम है? क्या ये किसी चीज से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है? और सू डॉक्टर को कहती है, वैसे डॉक्टर, आजकल जॉन्सी बहुत ज्यादा खोई खोई तो रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन हो सकता है। खैर, जॉन्सी को शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं श्योरली आज जॉन्सी को शॉपिंग करने ले जाऊंगी और उसे बात करने की पूरी कोशिश करूंगी कि उसे कोई प्रॉब्लम है क्या, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश भी करूंगी। और फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। सू जॉन्सी के लिए फिर थोड़ा सूप बना के लाती है और उसे कहती है, जॉन्सी तुम क्या दिन भर बेड में पड़े रहती हो, चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं। सू के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली जॉन्सी शॉपिंग करने जाने के लिए मान जाती है। लेकिन वहां भी जॉन्सी फिजिकली तो अवेलेबल थी, लेकिन उसका माइंड कहीं और ही था। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद सू और जॉन्सी वापस अपने घर आ जाते हैं और फिर सू वापस अपने कमरे में चले जाती है क्योंकि उसे एक नई पेंटिंग बनानी थी। लेकिन सू का पेंटिंग बनाने में मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि उसका ध्यान तो जॉन्सी के पास था। और वो सोचती है, यार क्यों ना पेंटिंग को जॉन्सी के रूम में ही जाके बना लिया जाए। वो अपना पेंटिंग बोर्ड, पेंटिंग ब्रश और पेंटिंग कलर लेके जॉन्सी के रूम में आ जाती है और वो बोलती है, जॉन्सी मैं यहीं पे पेंटिंग बनाऊंगी। जॉन्सी बोलती है, ठीक है बना लो। सू जॉन्सी के रूम में आके पेंटिंग बना रही थी, लेकिन अभी भी जॉन्सी का ध्यान उस विंडो के बाहर इवी क्रीपर ट्री में ही था। सू जॉन्सी से पूछती है, यार जॉन्सी तुम विंडो के बाहर देख क्या रही हो? जॉन्सी कहती है, मैं बाहर उस इवी क्रीपर ट्री को देख रही हूँ, देखो उसकी पत्तियां कैसे झड़ते जा रही हैं। सू कहती है, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, ये ऑटम का सीजन है, पत्ती तो झड़ेगी। फिर जॉन्सी कहती, नहीं नहीं, उसकी जैसे ही आखिरी पत्ती झड़ जाएगी मैं भी इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। सू कहती, ये तुम क्या निगेटिव बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ऑटम के सीजन में तो पत्ती झड़ेगी ही ना, और वैसे भी डॉक्टर ने आज मुझे रूम से बाहर बुलाकर कहा भी था कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। और देखो जॉन्सी, मैं अभी कर्टन्स बंद तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पेंटिंग में कर्टन्स नहीं सामने की नेचुरल ब्यूटी बनाना है, तो प्लीज जब तक मैं पेंटिंग बना रही हूँ तब तक तुम विंडो के बाहर मत देखना। और फिर जॉन्सी फाइनली मान जाती है और वो विंडो के बाहर नहीं देखती। थोड़ी देर में सू जॉन्सी को कहती है, जॉन्सी देखो मैंने अपने पेंटिंग का बैकग्राउंड बना लिया, अब मुझे इस पेंटिंग में एक ओल्ड माइनर बनाना है, तो मैं एक काम करती हूँ, अपने बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में जो मिस्टर बहरामन रहते हैं उनको बुला के लाती हूँ और उनकी पेंटिंग बना देती हूँ। जॉन्सी कहती है, ठीक है सू, लेकिन जल्दी से बुला के लेना क्योंकि मुझे रात होने से पहले पहले आखिरी लीफ को गिरते हुए देखना है। सू नीचे फर्स्ट फ्लोर पे मिस्टर बहरामन के पास जाती है और उन्हें जॉन्सी के बारे में सारी चीजें बताती है। मिस्टर बहरामन के बारे में बताऊं तो वो 66 ईयर ओल्ड एक आर्टिस्ट थे और उनका अपनी जिंदगी में केवल एक ही सपना था कि वो एक मास्टरपीस बना सके जिसे देखने के बाद लोगों का ध्यान उस पेंटिंग से हट ही ना पाए। लेकिन अफसोस, उनका वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाता है। खैर, सू जॉन्सी के बारे में सारी चीजें मिस्टर बहरामन को बताती है और मिस्टर बहरामन कहते हैं, क्या जॉन्सी, ये क्या स्टुपिडिटी वाली बात कर रही है, चलो मैं जॉन्सी को चल के समझाता हूँ। और फिर मिस्टर बहरामन और सू जॉन्सी के रूम में आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तब तक जॉन्सी सो चुकी रहती है। अब बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगा था, धीरे धीरे स्नो गिरने लगी थी और पानी की बूंदें भी पड़ने लगी थी। सू जल्दी से रूम के बाहर देखती है तो अब इवी क्रीपर के ट्री में केवल और केवल 5 लीव्स ही बची थी और सू श्योर थी कि रात तक वो भी गिर जाएंगी। ये देखने के बाद मिस्टर बहरामन रूम से चुपचाप चले जाते हैं और फिर सू भी अपने रूम में चुपचाप चली जाती है। अगले दिन जब जॉन्सी उठती है तो वो सू को बुलाती है, सू सू देखो। सू बहुत जल्दी जल्दी जॉन्सी के रूम में आती है और जॉन्सी बोलती है, देखो वो जो आखिरी लीफ कल गिरने वाली थी वो फिर से ग्रीन हो गई है। यार जब ये लीफ दोबारा सर्वाइव कर सकती है तो मैं क्यों नहीं दोबारा सर्वाइव कर सकती हूँ। और फिर जॉन्सी अपने हेयर को कॉम्ब करती है और एकदम एनर्जेटिक होकर बोलती है कि अब मैं भी सर्वाइव करके दिखाऊंगी। सू जॉन्सी को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर दोपहर को जब डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर सू को बोलते हैं,
कि वाह तुमने क्या कर दिया जॉन्सी के साथ, देखो ये एकदम ठीक हो गई है और मैं श्योर हूँ कि ये बिना मेडिसिन के ही ठीक हो जाएगी, लेकिन मैंने जॉन्सी को मेडिसिन दे दी है जिससे और जल्दी ठीक हो जाए। खैर मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे मिस्टर बहरामन के पास भी जाना है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तुम्हें पता है उनको भी पिछली रात नमोनिया हो गया था और मुझे लगता है कि उनके बचने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और फिर डॉक्टर मिस्टर बहरामन के पास चले जाते हैं और सू जॉन्सी के लिए सूप बना के जॉन्सी के रूम में आ जाती है। फिर जॉन्सी और सू सूप पीते हैं और जैसे ही रात होती है वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सू जॉन्सी के रूम में आती है और वो जॉन्सी से कहती है, जॉन्सी मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हें पता है कल रात को मिस्टर बहरामन तुमसे मिलने आए थे लेकिन तुम सो रही थी। जॉन्सी कहती, क्या अगर वो मुझसे मिलने आए थे और मैं सो रही थी तो तुम मुझे जगा दी होती, यार वो मुझसे मिलने आए थे, चलो मैं उनसे अभी मिल के आती हूँ। लेकिन सू कहती है, जॉन्सी अब तुम उनसे नहीं मिल पाओगी क्योंकि वो हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए। लेकिन जॉन्सी मिस्टर बहरामन के रूम में जाती है तो देखती है कि उनके सू में आइस गिरी हुई है और तो और उनका पेंटिंग कलर, पेंटिंग डैशबोर्ड, सारी चीजें रूम के बाहर पड़ा हुआ है और वो ये देख के समझ जाते हैं कि रात भर मिस्टर बहरामन अपने रूम के बाहर कोई पेंटिंग बना रहे थे जिसकी वजह से उन्हें नमोनिया हो गया और वो इस दुनिया से चल बसे। उन्हें मिस्टर बहरामन का पेंटिंग डैशबोर्ड तो दिख रहा था लेकिन उन्हें नहीं दिख रही थी तो मिस्टर बहरामन के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग। और तभी सू का ध्यान उस ईवी क्रीपर ट्री पे जाता है और वो जॉन्सी से कहती है, जॉन्सी वो देखो वो ग्रीन लीफ एक्चुअली में रियलिटी नहीं है, वो तो मिस्टर बहरामन की पेंटिंग है। ये देख के जॉन्सी को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसकी वजह से किसी की जान चली गई, लेकिन वो ये देख के बहुत ज्यादा खुश भी होती है कि फाइनली मिस्टर बहरामन ने अपना लाइफ लॉन्ग सपना पूरा कर लिया और एक ऐसा मास्टरपीस बना लिया जिसे देख के हम ये समझ ही नहीं पाए कि वो रियलिटी है या फिर एक पिक्चर। तो यार बस यहीं पे खत्म होता है ये इमोशनल चैप्टर द लास्ट लीफ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, बेशक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा होगा उसे नॉक करके बेल भी प्रेस कर देना जिससे आपको इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।